अदब जरूरी है शाहों के आस्ताने का, हमें भी सिला मिलेगा दर पे सर झुकाने का। हजरत शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की 1052 रस्म मंदी है। हमारे साथ है यहाँ के मुजावर रिजवान पहलवान, इनसे हम बात करेंगे कि शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह गजनी से कब आए थे और किस लिए आए थे। हजरत शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के ये जो आप मंगनी शरीफ देख रहे हैं, ये 1052 मंगनी है। इसके पहले ये जो मंगनी देख रहे हैं आप, ये हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं। ये पहले छोटे पैमाने पे होती थी, अब जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ रहा है, ये बड़े पैमाने पर हो रही है मंगनी। क्यों? इसकी ये वजह है कि ये मंगनी के जो रुख के पान बढ़ते हैं, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती, यहाँ के ये पान खिलाने से उन बच्चियों की शादियों में अल्लाह के करम से, भावों की दुआ से आगे बढ़ जाता है काम। और ये जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो हज़ारों की तादाद में हिंदू मुसलमान जो सरकार के दरबार में अकीदत और मोहब्बत लेकर आते हैं, आज यहाँ पर ये जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तमाम दूर दूर से हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हैं और ये सब जाति धर्म के लोग आए। ये जो मेला है, जो सरकार का जो 12 रवि रोबर से मेला भरता है, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। ये बहुत बड़ा मेला भरता है, एक महीने का मेला होता है। ये जो आप मंगनी देख रहे हैं आज, ये मंगनी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और बहुत बड़े पैमाने पे मंगनी हुई है इस साल। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी हमको बहुत सहयोग रहा, हम आभारी है। हमारे नगर परिषद वालों का भी यहाँ पर बहुत सहयोग रहा, उन्होंने हमारा साफ सफाई का काम बहुत अंजाम दिए। और हमारे माननीय श्री आदरणीय बच्चू बहु पड़ू, इन्होंने यहाँ पर 5-6 करोड़ रुपये की निधि डोन किए, निधि दिए दरगाह में, हम उनके भी बहुत आभारी है। और हमारे पत्रकार हमारे फिरोज भाई, ये हर दम हर पल हर घड़ी हमारे उर्स में, हमारी मंगनी में, हमारे आज आपके जो भी छोटे से छोटा प्रोग्राम है, हमारे फिरोज भाई हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए कोऑपरेट करते हैं, हम इनके बहुत बहुत आभारी है। दरगाह की तरफ से मैं खादिम मोहम्मद रिजवान और हमारे साथ में जितने भी लोग आप देख रहे हैं सब हमारे दरगाह ट्रस्ट के, हमारे अब्दुल कामरान, अब्दुल खालिक भाई, अब्दुल जमीर, इरफान पहलवान, मोहम्मद साजिद मास्टर भाई, रिजवान पहलवान, फहीम भाई, नियाज अहमद भाई और रेहान, मोहम्मद रेहान, फरहान भाई, जितने भी हमारे दरगाह का ग्रुप है, ये बहुत 10 दिन से मेहनत करते हैं। हम 20 से 25 हज़ार पान बनाते हैं और किसी से कोई पैसा नहीं लेते, हम खुद हमारे पास का पैसा लगा के ये तबर्रुकात बनाते हैं। और हम बहुत बहुत आभारी है हमारे मीडिया चैनल वालों का, हमारे फिरोज भाई पत्रकार का, जो हमको हरदम यहाँ पर आके सहयोग करते हैं। ये जो आप इतना बड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं, असर के बाद मंगनी होती है और मगरिब से पहले ख़त्म हो जाती है, इसमें हज़ारों पान बटते हैं और तमाम दूर दूर से हिंदू मुसलमान आकर यहाँ का पान का तबर्रुक लेकर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है अमीर पहलवान, इनके लड़के, हम इन्हीं से जानेंगे कि शाह रहमान गाजी कहाँ से आए थे और किस लिए आए थे। और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर एक मुकदस प्रोग्राम है, बहुत अच्छा मुकदस प्रोग्राम रखा गया है। हज़ारों की तादाद यहाँ पर लेडीज हैं, चंदू परपड़ा और दूसरे शहरों से भी यहाँ पर आए हुए। और हालांकि आज बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है लोग जो है उनकी तादाद कम नहीं है। आज यहाँ पर बाद नमाज मंडी का एक प्रोग्राम हुआ, उसमें बातियाँ वगैरह दी गई और हमारे ऊपर तौर पर यहाँ 5 तकसीम लिए गए। एक परचम लेकर आए और दीन हक को पेश करा हमारे सामने। और अकीदतमंद लोग हर साल अपनी अकीदतों को लेकर आते हैं। आज भी बारिश का एक मौसम होने के बावजूद भी आज भी रस्म मंगनी के अंदर में खवातीन और लोगों का वो ताता बना हुआ है। हर एक अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात लेकर इस आसानी से एक लगाव रखते हुए अल्लाह से दुआ मांगने के घर से यहाँ पर आता है और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए दुआएँ मांगता है। और मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह जितना चाहता हूँ जितने
जितने भी यहाँ पर हाजरीन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, हम सबको हालात की सर से हिफाजत हमारी फरमाएँ और हम सब की दिली कामनाओं को अल्लाह जल्ले शानो जानता है। इन बुजुर्ग के सदमे में हमारी दुआओं को पूरी फरमाएँ। तो ये थे हमारे साथ हाजरीन साहब, आप बताइए कि निगाह वली में वो तासीर देगी, बदलती हजारों की तरकीब देगी। Thank you.
निकाल दो।